वेलकम और स्वागत है आप लोगों का हमारी नई नर्सरी में। और अभी थोड़ी देर से हमारी ये नर्सरी का उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन होने के बाद आप लोग आके यहाँ पे जो आप लोगों को मनपसंद की जो पेड़ पौधे हैं प्लांट्स है तो आप लोग आके परचेस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। नहीं होगा। आज दोपहर के खाने में हम लोगों ने दाल बाटी चूरमा बनाया था, वो हम लोग अब खा रहे हैं। और अब आप लोगों को दिखाती हूँ हमारी नर्सरी में कौन सी पेड़ पौधे आप लोगों को मिलेंगे जो आप लोग आके परचेस कर सकते हो, तो वो ही देखिए। नमस्ते आप सभी को। तो आप लोगों को स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज आई हूँ यहाँ पे जो हिंदू हाईवे पे जो रोड है यहाँ पे, थोड़ी सा हमारे घर से ही पास में ही है ये आप लोग देख रहे हो, ये नर्सरी है। हमारे एक भैया है, वो नर्सरी ओपनिंग किया है आज, और उसी नर्सरी में ही आज पूजा रखवाया उन्होंने। तो यहाँ पे सुबह से शाम तक पूरा पूजा पाठ खाना पीना कार्यक्रम चलेंगे। तो हम लोग वही आए हैं, पूरे दिन आज यही रुकेंगे। तो आप लोगों को पूरे दिन का मैं वीडियो शेयर करूंगी, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। ये श्रीराम नर्सरी इंदौर भोपाल हाईवे पे है, बिल्कुल चिरायु हॉस्पिटल के जस्ट पास में ही है। और आप लोगों को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। देखिए ये भैया का ऑफिस है नर्सरी का, ये ऑफिस में यहाँ जो पूजा की तैयारी कर रहा है, पूजा चलेंगे यहाँ पे अभी। ये देखो पूजा की तैयारी चल रहा है, पंडित जी पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, सब अभी तैयारी कर रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ। और ये पास में इधर सब खाना पीना बन रहा है पास वाले रूम में। अभी दाल बाटी चूरमा बन रहा है सब मेहमानों के लिए, पूजा के बाद सब यहाँ पे प्रसाद खाएंगे, इसलिए खाना बन रहा है यहाँ पे। ये देखिए अभी सबको भैया बाजार से नाश्ता लेके आए, कचौड़ी और जलेबी, तो सबको मैं नाश्ता परोस रही हूँ यहाँ पे, सबको दिया। अभी पंडित जी को भी दे रहे हैं। वो दीदी ये जलेबी और कचौड़ी है, लो पापा को थोड़ा ले, बोलो तो यहाँ पे पूजा हो रहा है, पकड़ो। आ जा बेटा, नमस्ते, पकड़ो, गिर ना जाए। यहाँ पे जो नर्सरी पे आप लोग फूल और फलों के पेड़ पौधे देख रहे हो, ये आके आप लोग यहाँ से परचेज भी कर सकते हो, खरीद भी सकते हो। और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगी, तो आप लोग फ़ोन लगा के पेड़ पौधों के बारे में, उसके प्राइस के बारे में पूछ भी सकते हो। नर्सरी के पेड़ पौधों के बारे में आप लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग नीचे कॉन्टैक्ट नंबर में फ़ोन करके पता कर सकते हो। देखिए यहाँ पे नर्सरी का उद्घाटन का पूजा शुरू हो रहा है। तेरे जगत के भक्त जनों पर अपील पड़ी है, लाज बचाने वाली सदियों के सखी को सावारती हो भैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बहुत बढ़िया। नहीं हुआ क्यों? नहीं हुआ पूरा नहीं होगा।
हेलो गाइस, ये हमारी पंडित जी हैं और आप लोगों की कभी ये पंडित जी से सेवा लेना है, पूजा वगैरह करवाना है तो पंडित जी से जोजोग करिए। पंडित जी आपको बता रहा है इनके नाम पता और मोबाइल नंबर। मैं रामबाबू वैष्णव वार्ड नंबर 3 भोपाल में रहता हूँ। जिसको भी जो सत्यनारायण भगवान की पूजन हवन पूजन जो भी आपको करवाना है वो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप करवा सकते हैं 7987872910। जय माता दी। यहाँ पे पूजा होने के बाद सारे जो मेहमान आए थे तो सबके लिए भैया ने यहाँ पे खाना बनवाया था और वो थे राजस्थानी खाना दाल बाटी चूरमा और बहुत ही टेस्टी बना था ये खाना। ये भैया के और भी सारे दोस्त लोग हैं जो यहाँ पे खाना खा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ इस नर्सरी में कौन सी पेड़ पौधे है और फूलों का पेड़ और फलों का पेड़ भी है। आज के लिए बस इतना ही और आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को कोई भी पेड़ पौधों के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर में फ़ोन करके आप लोग पूछ सकते हो और आके परचेज भी कर सकते हो कोई भी प्लांट आप लोगों को चाहिए। और आज का ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।